हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर हॉट लाइफ। आज का ये जो लुक है ये है ईद मेकअप लुक। ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम सब अच्छे से तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ईद के फेस्टिवल को। ये जो लुक है ये ईद मेकअप लुक है, जो कि आप में से सबके पास ये वाले मेकअप प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट होते हैं मिलते जुलते, जो कि मैंने यूज़ करे हैं। तो मेरा जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर का सूट है एंड इट्स मरून दुपट्टा, और मरून दुपट्टे के साथ और ग्रीन ड्रेस के साथ मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करा है। सो गाइस, आइए देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लुक। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप शुरू करूंगी अपने आईब्रोज को शेप करने से। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये हिलेरी डोडो का आईब्रो पैलेट। इससे मैंने अपनी दोनों आईब्रोज को शेप दे दी है, फिल कर दी है। फिर यहाँ पे मैंने ओलिविया का कंसीलर लिया है, पैन स्टिक कंसीलर है ये, बहुत ही इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली, तो ये सभी लोगों पास इजीली अवेलेबल हो सकता है किसी भी मार्केट से या शॉप से। तो इसको आप लीजिए और लेके अपने पूरे आईलिड पे लगा लीजिए, ये आपके आईलिड को प्राइम कर देता है। अच्छे से उसको एक ब्रश के हेल्प से सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, आपके पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। लेके अपने दोनों आईलिड्स पे अच्छे से इसको ब्रश से सेट कर लीजिए जो कंसीलर आपने लगाया है। फिर यहाँ पर मैंने ये स्विस ब्यूटी का 32 कलर आई शेडो पैलेट लिया है। इसमें से सबसे पहले मैं ये ऑरेंज कलर ले रही हूँ और इसको अपनी क्रीज लाइन पे डिपॉजिट कर रही हूँ। इसको बैक एंड फोर्थ मोशन में मैं लगाऊंगी, एक ऑरेंजिश सा कलर देना चाहती थी मैं अपनी क्रीज लाइन में, और बैक एंड फोर्थ मोशन में लगा के थोड़ा सा और हल्का हल्का राउंड शेप में बिल्ड करूँगी। देन इसमें जो सबसे क्लोज शेड था मैरून के वो ये था, थोड़ा मैरूनिश ही था, तो ये लेके मैंने आउटर वी पे अपने फोकस करा है और वी शेप बनाते हुए यहाँ पे आउटर वी में धीरे धीरे कलर को बिल्ड करेंगे। तो ये एक डार्कर शेड है जो मैं अपने आउटर वी में लगा रही हूँ। जब ये वाला कलर बिल्ड हो जाएगा दोनों आईज पे सेम करेंगे। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से लूँगी ग्रीन कलर का कलर। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर है वो अपने इनर कॉर्नर से टुवर्ड्स द आईलिड थोड़ा सा एक फ्लैट शेडर ब्रश में लेके ड्रैग करते हुए उसको लगाया है धीरे धीरे करके। तो इससे बहुत अच्छी शीन आती है आपके आईज़ के ऊपर। इसी तरीके से इस कलर को आप डिपॉजिट कीजिए। फिर एक अलग से मैंने ब्रश लिया था और उसको मैंने लेके अपने सारे जो एजेस थे आई शेडो के उनको ब्लेंड कर लिया था आपस में, क्योंकि वो क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे एक गोल्डन शेड था, मैंने वो लेके अपने आई बॉल के ऊपर डिपॉजिट कर लिया है। तो इससे आपके आई लुक में एक अलग सी शीन दिखाई देगी। ये जब दोनों आईज़ पे आप डिपॉजिट कर लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे एजेस को क्लीन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट सा ब्रश लिया था, उससे मैंने कंसीलर लेके एक लाइन ड्रॉ करी थी और उसके बाद एक ब्रश लेके उसको ब्लेंड कर दिया था कंसीलर को, ताकि जो भी एजेस हैं वो क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने एक आईलाइनर लिया था। गाइस, कोई ऐसा ख़ास ब्रांडेड आईलाइनर नहीं है ये, मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ का लिया था मार्केट से, मगर इसकी टिप बहुत अच्छी है और ये काफ़ी ब्लैक भी है और वाटरप्रूफ ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, रेगुलर मेकअप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मार्स का मस्कारा लिया है, उससे लेके मैंने अपने दोनों आईलैशेस को कोट कर लिया था मस्कारा से। ये भी एक अच्छा मस्कारा है, बजट फ्रेंडली है, अच्छे से आप अपने मस्कारा से बिल्ड कर सकते हैं अपने आईलैशेस को। फिर मैंने यहाँ पे ये ब्लू हेवन का प्राइमर लिया था, उसको लेके मैंने अपने नोज़ के ऊपर जो भी मेरे जैसे पोर्स वाले एरियाज हैं, ओपन पोर्स जहाँ होते हैं, बस वहाँ वहाँ लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटर लिया था, ये बहुत अच्छा एल्यूमिनेटर है और क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव मौका है और फेस्टिव लुक है, तो एक एल्यूमिनेटर तो बनता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करा है इस मेकअप लुक में, खाली ये ओलिविया की पैन स्टिक ली है और इसको लेके अपने अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड और कुछ कुछ एरिया जो मुझे हाईलाइट करने थे और हल्की सी पिगमेंटेशन को कंसील करना था, सिर्फ वहाँ पे लेके मैंने इसको लगाया है और कोई फाउंडेशन अलग से मैंने यूज़ नहीं करा है। जब ये हो जाएगा आपका ब्लेंड, उसके बाद आप
एक ब्रश लीजिए, कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए और अपने पूरे बेस को सेट कर लीजिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सेटिंग इज़ मस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम पैलेट में से लिया है ये पिंक शेड, और पिंक शेड लेके मैंने इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया है। लोअर लैश लाइन पे एक पिंक शेड इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि थोड़ा सा अलग सा पॉप ऑफ कलर देता है ये मेरे मेकअप को, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पिंक शेड लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लगाया है, इसके लिए मैंने फेसेस कैनेडा का काजल लिया है, काफ़ी ब्लैक काजल है ये। इसको लेके मैंने वाटर लाइन पे लगा लिया था और फिर एक ब्रश लिया था और ब्रश की हेल्प से उसे स्मच कर दिया था। फिर सेम पैलेट में से मैंने गोल्डन कलर लिया था और लेके उसको इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करा था, तो इसलिए उसको मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट करा था। देन मैंने यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगा लिया था। और फिर गाइस बारी आती है फॉल्सेस लगाने की, ये आपके मेकअप लुक को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है आईज मेकअप को। मैंने यहाँ पे फॉल्सेस लगा ली थी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का एक कॉन्टोर पैलेट लिया था, वो लेके इसमें से ये कॉन्टोरिंग शेड लेके हल्का सा अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया था, क्योंकि डे टाइम था, बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं करी थी मैंने, स्लाइट बिट ऑफ कॉन्टोरिंग इज़ ओके। सो मैंने हल्की सी कॉन्टोरिंग करी थी, अपने जॉ लाइन को भी कॉन्टोर कर लिया था। जॉ लाइन को कॉन्टोर करके फिर मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लिया था, इसके लिए मैंने अलग से एक छोटा ब्रश लिया था, उससे मैंने कॉन्टोरिंग करी थी। एंड फिर यहाँ पे मैंने पिंक कलर का ब्लश लिया था, उसको लेके मैंने अपने चीक्स को भी ब्लश कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लश लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा नोज़ पे भी ब्लश लगाया था, अच्छा लगता है। एंड आफ्टर दिस मैंने ये सिल्वर हाइलाइटर लिया था सेम पैलेट में से, और उसको अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चीक्स और अपने फोरहेड पे, अपने चिन पे, ये सब जो हमारे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं, इन सबको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटर लेके इन्हें हाईलाइट कर लिया था। हाईलाइटर लगाने के बाद हाईलाइटर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रश लिया था और उससे अपने जो आईब्रो के नीचे ये हमारी जो ब्रॉ बोन होती है उसको हाईलाइट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक लिपस्टिक ली थी, थोड़े से मरून शेड में है, बट ये लिपस्टिक जो थी वो मैं इसका नाम नहीं आपको बता पाऊँगी बिकॉज़ ये यहाँ की नहीं है, मेरी एक कज़न दुबई गई थी वहाँ से लेकर आई थी, उसने मुझे गिफ्ट की थी, सो आई रियली डोंट नो द शेड एंड द ब्रांड, बट ये एक। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लिया था, पूरे फेस पे स्प्रे करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। मैंने ये लुक क्रिएट करा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये समर सीजन में है ईद, इसलिए मैंने देखिए पोनी टेल भी बांधी है। सो आई होप ये लुक आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है गाइज, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड ऑल्सो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।